लिखा हुआ है विद्यार्थी जी, 2 पे पावर 54 है ना, 3 पे पावर 36, 2 पे पावर 56 और 5 पे पावर 18। इन सबों में सबसे बड़ा कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा या छोटा निकालने के लिए हमने आप लोगों से कहा कि अगर कटता है तो काट ले विद्यार्थी जी, अगर कटता है तो काट लेंगे। तो ये 18 से कट रहा है 18 से नहीं कट रहा है, तो ऐसा मन ही मन सोचे कि 2 पे पावर 54, 3 पे पावर 36, 2 पे पावर 54 गुने 4 बोल दे देते हैं, 2 पे पावर 54 और 2 पे पावर 2 को 4 बोल लेते हैं, 5 पे पावर 18। देख लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर 18 से इसको हम लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, 18 से अगर काट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा कि कहां से 54 रहता, सॉरी ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अब काटने की जरूरत नहीं। अच्छा इसको लास्ट में रखिए, हम इसको बाद में फरिया लेंगे, किसको भाई, तो 2 पे पावर 56 है ना, इसमें 18 से कटता है तो काट लीजिए, तो 18 से कटेगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। इन सबों में सबसे बड़ा कौन है? तो 8, 9, 5 में सबसे बड़ा विद्यार्थी जी 9 है, सबसे बड़ा 9 है, अर्थात इन तीनों का काम हो गया कि सबसे बड़ा कौन है विद्यार्थी जी, ये वाले बड़ा है। अब इन दोनों में मुझे सेट करने की जरूरत है, 3 पे पावर 36 और 2 पे पावर 56, यही सीखिएगा, इसी की बातें अब चलनी है, इसको जरा केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। पहले तो आपने कहा कटता है तो काट लीजिए, तो 4 से काटिएगा तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 3 पे पावर 9, यहां हो जाएगा 4 से काटिएगा 2 पे पावर 14, 3 पे पावर 9 होगा और 2 पे पावर 14 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखते हैं, केयर करिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 4.5 हो जाएगा, अच्छा 2 का क्यू करेंगे, हाँ हो गया, यहां 3 पे पावर 2 करिए, पे पावर हो जाएगा 4.5, यहां 2 पे पावर 3 करिए, 3 से भाग दीजिए, 3 चौ 12, अच्छा 2 बजेगा 6, 6 हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा, पूछिएगा यहां से क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखिएगा 9 पे पावर 4.5 है, 8 पे पावर 4.6, बड़ा या छोटा तब हम देखते हैं कि ध्यान दीजिएगा 9 पे पावर 4.5 था, 8 पे पावर 4.5 या उससे कम रहता तब तो ये पता चल जाता कि यही बड़ा है, इसलिए मैंने कहा अभी भी पता नहीं चला है, सीखिएगा और समझिएगा। 3 पे पावर 3 यानी 27 पे पावर 3 आगे, 2 पे पावर विद्यार्थी जी 4, तो 4 3 12 और 2 पे पावर 4 तो 16 ही होता है नहीं, और 2 पे पावर 5 अगर ले लेते हैं तो 32 हो जाता है, यहां हो जाएगा 27, तो भी गड़बड़ है, यानी हर हालत में हमको हल करना पड़ रहा है, हर हालत में हमको विद्यार्थी जी यहां हल करवा रहा है। चलिए ये हो जाएगा विद्यार्थी जी 27 का क्यू, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 10, तो जानते होंगे 10 सौ 24 गुने 2 पे पावर 4 कर लीजिएगा,
इधर तो गुना हो जाएगा आप लोग को 1024 गुने विद्यार्थी जी 16, है ना, 16 चौ 64 के 4 बाकी 6, 16 दुनी 32 और 6 38 के 8 बाकी 3, 3 यहां 16 देख ली, है ना। आगे अगर हम लोग 27 का क्यू कर ले तो क्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यों आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्यार्थी जी, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 30 तो 27 ये भी नहीं होगा, हमने सोचा 30 के आसपास ले लेते हैं, अच्छा तो हो जाएगा इसका 19683। अब आप खुद देख सकते हैं कि 16384 19683 में बड़ा कौन हो जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी 3 पे पावर 36, अर्थात सबसे बड़ा हो गया 3 पे पावर 36, सबसे बड़ा कौन हो गया 3 पे पावर 36, 3 पे पावर 50, 5 पे पावर 25, 7 पे पावर 40 और 9 पे पावर 24, ऐसी कहेगा इन दोनों में। अगर पावर कटता है तो काट लीजिएगा, यहां 2 यहां 1, यानी 9 बड़ा होगा 5 से, यानी बड़ा कौन हो गया 3 पे पावर 50, सॉरी छोटा पूछ रहा है, माफ कीजिएगा मुझे छोटा निकालना। तो इन दोनों में देखिएगा, पावर अगर काटेंगे तो यहां 2 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो 5 होगा, ये 9 होगा, अर्थात छोटा कौन हो गया 5 पे पावर 25। अब इन दोनों की बात कीजिएगा विद्यार्थी जी, तो पावर काटिएगा 5 से, तो 5 पे पावर 5 यहां हो जाएगा 7 पे पावर विद्यार्थी जी 8। अच्छा ये तो ऐसे ही बड़ा लग रहा है, देखिएगा 5 से ही ज्यादा है, बेस भी ज्यादा पावर भी ज्यादा थी, बड़ा हो गया, अर्थात इसकी कहानी कैंसिल, यानी बच गया 5 पे पावर 25। अब आगे देखिए 5 पे पावर 25 है, 9 पे पावर 24 है। अब ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पांच पे पावर विद्यार्थी जी 25 और 9 पे पावर विद्यार्थी जी 24, इन दोनों में कौन छोटा है, इसकी बातें हम लोगों को करनी है, सीखते हैं हम। इसको बोल सकते हैं 5 पे पावर 25, जबकि यहां 3 पे पावर है 48, है ना। तो सीखिएगा, यहां मैं लिख दिया विद्यार्थी जी 5 पे पावर 2 पे पावर विद्यार्थी जी 12, लगभग 12 प्लस हो जाए। यहां 3 पे पावर 3 पे लिख दिया विद्यार्थी जी 16। अब देखिए ये 25 पे पावर 12 है, ये 27 पे पावर 16 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा विद्यार्थी जी, तो सब बड़ा हो गया, नहीं सबसे छोटा कौन हो गया, तो 5 पे पावर 25, अतः आपका आंसर 400 पे पावर विद्यार्थी जी 100 है, इधर देखिएगा 800 पे पावर 70 है, 400 पे पावर 100, 800 पे पावर 70, ये ध्यान दीजिएगा, अगर कटता है तो काट ले। अब 400 पे पावर 10 हो गया विद्यार्थी जी, और 800 पे पावर 7 हो गया, ये आप लोग भी जान रहे हैं कि केयर करिएगा, ये दू 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 देखिएगा, इधर 14 गो हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 गो, 6 डिजिट इससे ज्यादा हो गया, तो उतना भी देखिए ज्यादा होने वाला है नहीं, अर्थात हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 पे पावर विद्यार्थी जी इसको 20 गुने 100 पे पावर 10, है ना। यहां देखिए 2 पे पावर बोल सकते हैं 21 गुने 100 पे पावर विद्यार्थी जी 100 पे पावर हो जाएगा 7। अब जाहिर सी बात है यहां सब कुछ देख रहे हैं, यहां देखिएगा 20 जीरो होगा, यहां मात्र 14 जीरो होगा, 14 अंक के बाद इसका काम होगा, इधर 20 अंक के बाद इसका काम होगा,
तो मैंने आप लोगों से कहा कि संख्या आपका बड़ा हो जाएगा, है ना, चूंकि ये दोनों तो सिर्फ इससे एक डबल केवल का अंतर है, तो डबल अंतर है तो विद्यार्थी जी किसी भी संख्या में दो से गुना कर देंगे तो मैक्सिमम है ना 99 से करेंगे 198 तीन अंक की संख्या होगी, है ना, चार अंकों की संख्या को दो से गुना करेंगे तो मैक्सिमम 5 अंक की संख्या होगी, एक अंक ही बढ़ेगा, अर्थात 14 अंक और जो भी अंक रहेगा उससे एक अंक ज्यादा, यानी 15 तो मान लीजिए 20 अंक हो जाएगा, 15 अंक तो 20 अंक, अर्थात बड़ा कौन हो गया ये। तो हम लोगों ने कहा दोनों में बड़ा कौन है, तो 400 पे पावर विद्यार्थी जी 100। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।